Welcome back to my YouTube channel. Multan Sultan और लाहौर कलंदर का बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ है. फर्स्ट प्ले ऑफ था हुआ है जहाँ पे मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का, और उसके बाद सेकंड जो प्ले ऑफ है वो पेशावर जर्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड. लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ है लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का. 160 ऐसा लगा नहीं था कि इनफ टोटल है, लेकिन एक ज़बरदस्त कैप्टनसी थी उमर रिजवान की, और जिसकी वजह से स्कोर भी डिफेंड हुआ है. उन्होंने बैटिंग भी बड़ी अच्छी की है. 160 राइली रूसो और उसके बाद उमर रिजवान ने एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई है. एक ऐसा टोटल सेट किया है जो उमर रिजवान को भी लग रहा था कि ये डिफेंड हो सकता है, लेकिन आपको अगर डिफेंड करना है तो आपको ज़बरदस्त बॉलर को आपको आपने बॉलरों को एक अच्छे तरीके से बैकअप करना है, उनको काम रखना है और कॉन्फिडेंट देना है, अच्छी लाइन के साथ बॉलिंग करें. लेकिन जो मुल्तान सुल्तान की जो कप्तानी थी उमर रिजवान की, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, और एक टोटल डिफेंड किया उन्होंने जो मुश्किल था डिफेंड करना. 160 चेजेबल टारगेट था अगर देखा जाए तो. जिस तरह लोकनाथस ने टोटली रिलाई किया है फोकस अमाउंट के ऊपर, अगर मैच वन से देखें और जो फोकस अमाउंट है उनके ऊपर रिलाई करते आए हैं, और क्योंकि एक टीम तब बनती है जब एक एक प्लेयर पर रिलाई नहीं करती, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लेयर को बैकअप करना पड़ेगा. लेकिन देखा जाए तो जिस तरह लॉक लंदर्स ने बैटिंग की आई फील्ड की, वो टोटली रिलाई कर रहे थे फखर जमान के ऊपर, और जितने मैचेस हुए फखर जमान ने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहे उनकी जितने मैचेस हुए. लेकिन जब आप प्ले ऑफ में आज आ गए हो तो जो 11 के 11 प्लेयर होते हैं उनको अपने हाथ में ये परफॉर्मेंस लेनी पड़ती है, दूसरों पर रिलाई करना पड़ता है कि वो स्कोर करेंगे हर वक्त, क्योंकि कभी कभार आप फेल हो जाते हो, कभी नहीं होते हो. लेकिन वही गलती करते आइए, क्योंकि लेट्स सी कि अभी एलिमिनेटर में क्या करेगी, क्योंकि इनके पास एक और चांस है कि वो सेकंड दूसरा मैच एलिमिनेटर रहेगा, वहाँ से वो क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड है वो किस तरह खेलेंगे. लेकिन आई फील के जिस तरह बॉलिंग थी बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग थी लॉर्ड क्लंदर्स की, इतना बड़ा स्कोर नहीं करने दिया मुल्तान सुल्तान को. ओवरऑल जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग था, जो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक था, वो लॉर्ड क्लंदर्स का था. आप देख सकते हैं शहीन चौधरी थे, जमान खान, हारिस रऊफ, राशिद खान, समित पटेल, और जो के मेन और एक्सपीरियंस स्पिनर थे मोहम्मद हफीज वो भी थे, तो डेविड वीजा भी थे. तो बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छा था, बैटिंग अगेन जो मिडल ऑर्डर था और फिर के इस बार नहीं चला, क्योंकि हैरी ब्रूक्स, उसके बाद डेविड वीजा, समित पटेल, मोहम्मद हफीज एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो लेकिन वहाँ पे दाद देनी पड़ेगी मुल्तान सुल्तान को. जिस तरह इन्होंने ये टोटल को डिफेंड किया है, क्योंकि एक बॉलिंग तब तगड़ी होती है जब आप फुल फ्रीडम के साथ बॉलिंग कर लेते हो, अग्रेशन होता है आपकी बॉलिंग में, अच्छी लाइन और लिंग के साथ बॉलिंग कर रहे होते हो. और मुल्तान सुल्तान की जो सबसे बड़ी वो ताकत है, वो बैकबोन मोहम्मद रिजवान है, क्योंकि अच्छे बैट्समैन भी हैं, और उन्होंने जिस तरह कैप्टनसी की है, और लगातार सेकंड एडिशन जो लगातार सेकंड एडिशन में ये फाइनल जा रहे हैं, पिछले साल भी और इस साल भी. तो सबसे बड़ी जो मेन जो चीज़ होती है आपकी कैप्टनसी होती है, और जहाँ पे फील के मोहम्मद रिजवान ने बहुत ही अच्छी कैप्टनसी की है, और जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा
उनको सपोर्ट भी मिली है, बॉलर जो है, बैटर्स हैं जहाँ पे इन्होंने अच्छी तरफ उनको सपोर्ट किया है और जिस वजह से उनको रिजल्ट भी मिले हैं। और वेल डन टू मोहम्मद रिजवान और हार्ड लक टू लाहौर कलंदर से। लेट्स सी कि वो एलिमिनेटर में क्या करें, क्योंकि अभी उनको इनके पास एक और चांस है कि वो किस तरह अपने आप को बैकअप करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से आ जाए तो उनका जो फाइनल का जो चांस रहेगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि डू एंड डाई मैच है इनके लिए, इनके पास एक और अपॉर्चुनिटीज है। तो लेट्स सी कि वो किस तरह इसको इस चीज़ को ग्रैब करते हैं। और लेकिन मुल्तान सुल्तान आउटस्टैंडिंग, शाहनवाज हनी ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, एक ज़बरदस्त स्पेल्स किया है उन्होंने, और शाहनवाज हनी ने और जितनी बॉलिंग जो उनके बॉलर्स थे ज़बरदस्त लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की है, जो खास करके फास्ट बॉलर थे और मिडल ऑफ द इनिंग्स में आके जो एक शॉर्ट स्पिनर्स थे उनको सपोर्ट दे रहे थे, ज़बरदस्त थी, और जिसकी वजह से आसानी रही है मुल्तान सुल्तान के लिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा मुकाबला हुआ है, और लेट्स सी के सेकेंड मैच में क्या करते हैं, और जो सेकेंड प्ले ऑफ है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के कौन जीतेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी टीम है दोनों, और दोनों के पास अच्छा मौका है कि वो अगले राउंड में जाए। लेकिन वेल डन अगेन टू मुल्तान सुल्तान, और तब तक प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, और अल्लाह हाफिज़।